हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर का इलास्ट्रेशन 13 करेंगे जो पेज नंबर 156 पे दिया गया है। सबसे पहले देखो, कभी भी गुडविल का एंट्री आए, सबसे पहले पता ही, नया पार्टनर आ रहा है तो क्या लेके आएगा? कैपिटल। तो उसका एंट्री क्या रहता है? कैश। अगर सब में बैंक अकाउंट दिया रहेगा तो बैंक कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। उसके बाद नया पार्टनर आएगा, किस चीज़ का पैसा लेके आएगा? गुडविल का। तो उसका एंट्री क्या रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट रहेगा। और गुडविल अपने लिए क्या होता है? असेट। असेट्स ऑलवेज कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। तो ये गुडविल का अमाउंट जो क्रेडिट में, कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। और यहाँ पर क्रेडिट में कौन से पार्टनर आएंगे? ओल्ड पार्टनर का नाम आ जाएगा, क्लियर है। और ये कौन से रेशो में जाएगा? सेक्रीफाइस रेशो में जाएगा। इसका मतलब जो गुडविल अपना क्रेडिट है और ये डेबिट में क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब गुडविल क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। और तुम बोलोगे सर, सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना रहेगा? न्यू रेशो। तो न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ वन। और बैलेंस ऑफ वन कैसे मिलेगा? वन माइनस शेयर ऑफ क्या रहेगा? न्यू पार्टनर रहेगा। और सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला सिंपली ओल्ड रेशो माइनस क्या करना पड़ेगा? न्यू रेशो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा सारे का। तो चलो मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ, क्योंकि अभी ये सब टाइम नहीं है सिखाने का, अभी तो डायरेक्ट सम करने का टाइम है। ऑलरेडी काफ़ी मैं डीप में बता चुका हूँ, और नहीं पता है तो इतना एंट्री बस आप लिख लीजिए, हम साथ में मिल के सम करते, देम श्योर आपको 110% समझ में आ जाएगा। और इस सम की खास बात क्या है कि यहाँ पर करंट अकाउंट दिया, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सम के इस सम में करंट अकाउंट दिया है। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ, देम श्योर आपको, मतलब करंट अकाउंट दिया है तो आपको कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना होगा, करंट अकाउंट। तुम बोलोगे कैपिटल, तो कैपिटल चुपचाप आप लाइबिलिटी साइड पे लिख देते। तो चलो मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूं, आप भी फॉर्मेट रेडी रखो, मिलके सम सॉल्व करते हैं। इलास्ट्रेशन 13 करेंगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सम है। क्या बोल रहे? राधा एंड विकास आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया है? 3:2, मतलब 3/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलो मुझे दिया गया। कैपिटल आपको पता है कहाँ जाएगा? अभी देखो, तुम बोलो कि कैपिटल जी नहीं, कैपिटल डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। और करंट अकाउंट, मतलब जहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे वहाँ पर करंट अकाउंट बनेगा, और करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। जैसा यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। इसका मतलब सर, कैपिटल आएगा, खाली कैपिटल और करंट रहेगा, तो करंट कहाँ चला जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट में। कैपिटल कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। और लोन फ्रॉम यहाँ पर क्या लिखा है? बालू। कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर भी कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। प्रीमाइसिस असेट्स में चला जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर असेट्स में चला जाएगा। स्टॉक असेट्स में चला जाएगा। डेटर असेट्स में। अभी देखो, कैश एट अ बैंक, तो ये बैंक अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। और यहाँ पर क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि बैंक अकाउंट की कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। और क्या बोल रहे हैं? 1 अप्रैल 2019 ओम क्या हो रहा है? एडमिटेड ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर? राधा, विकास और क्या आ जाएगा? ओम आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर थर्ड पार्टनर और बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2019 क्या रहेगा? 19 रहेगा। प्रीमाइसिस वैल्यू कितना दिया गया? 3,40,000 दिया गया। तो प्रीमाइसिस को क्या कर दूँ? स्टार। प्रीमाइसिस का वैल्यू क्या हो रहा है? 60,000 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्लियर है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना दिया गया? 20,800। और बुक में फर्नीचर एंड फिक्सचर का कितना दिया गया? 22,000। मतलब 2,000 से फर्नीचर का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर को भी क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ, क्लियर है। आगे क्या बोल रहे? और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कितना बोल रहे? 5%। तो डेटर को भी मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। स्टॉक स्टूड भी रीवैल्यू कितना दिया गया? 58,000। तो स्टॉक को भी क्या कर दूँ? स्टार। मतलब स्टॉक में क्या हो रहा है? 58 हो गया, तो 4,000 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्लियर है। आगे क्या बोल रहे? ओम शुड ब्रिंग कितना पैसा लेके आ रहा है? 80,000 इज द कैपिटल। मतलब ओम क्या कर रहा है? 80,000 कैपिटल लेके आ रहा है। और क्या कर रहा है? 20,000 शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। क्या एंट्री कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। एंड रिटेन इनटू द बिजनेस शुड बी गिवन इन 1/4। उसका शेयरिंग रेशो क्या दिया गया ओम का? 1/4 दिया गया है, क्लियर है। शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट, ओम का शेयरिंग रेशो देखो यहाँ पर दिया गया है 1/4। तो ओम का शेयरिंग रेशो 1/4 दिया गया है। द लोन फ्रॉम द बालू इज रीपेड, क्या बोल रहे हैं? NEFT से क्या करें? रीपेड। तो ये लोन फ्रॉम बालू को भी मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। इसका मतलब आपको पता रहेगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी में कैपिटल करंट अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लोन फ्रॉम बालू को स्टार है, कैपिटल लाइबिलिटी में प्रीमाइसेस स्टॉक सबको क्या है? स्टार है। जैसा अगर आपको मैं दिखा सकूँ, मैंने क्या कर दिया? अच्छे से सारी चीज़ें लिख दी है। जैसे अभी प्रॉफिट एंड लॉस अपना जो इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा? राधा, विकास
और क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, जहाँ पर दो पार्टनर का, थर्ड पार्टनर का बनने की जरूरत नहीं है। और जैसा कैपिटल मैंने बताया था, लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगा लोन फ्रॉम बालू को स्टार है, तो इनर में प्रीमाइसेस फर्नीचर स्टॉक डेटर सबको स्टार है। और जो अपना बैंक अकाउंट बनेगा कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। टू क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। और आप सभी को देखो गुडविल का आया तो आपको न्यू रेशो फाइंड करने आना चाहिए। न्यू रेशो फाइंड करने के लिए सबसे क्या चाहिए, बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल टू क्या रहेगा, वन माइनस शेयर ऑफ क्या यहाँ पर न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर को नहीं यहाँ पर ओम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा। और यहाँ पर देखो वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, अब भी मैंने बताया देखो वन फोर्थ शेयर, देखो ओम का रेशियो कितना दिया गया, वन फोर्थ दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन माइनस क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो वन यहाँ पर फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फोर, फोर माइनस वन अपॉन फोर, तो आंसर कितना आंसर आ जाएगा, थ्री अपॉन फोर आपको आंसर आ जाएगा। ये क्या मिला मुझे, बैलेंस ऑफ क्या मिला, वन। अभी न्यू रेशो, तो न्यू रेशो किसका होगा, पहले अपने पास ओल्ड पार्टनर को नहीं, यहाँ पर राधा और क्या है विकास, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, राधा आ जाएगा। राधा का ओल्ड रेशो कितना दिया है, थ्री अपॉन फाइव, तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ वन, थ्री अपॉन फोर दिया गया, थ्री थ्री ज़ा नाइन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी आ जाएगा। सेम एज अभी क्या है यहाँ पर विकास, तो यहाँ पर आ जाएगा विकास का ओल्ड रेशो कितना दिया गया, टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ वन, तो सेम ही आएगा, थ्री टू ज़ा कितना होगा, सिक्स होगा, और फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी हो जाएगा। अभी ओम अपना पार्टनर है, उसका रेशो कितना दिया गया, वन अपॉन फोर, जैसा मैंने बताया इसका ऑलरेडी न्यू रेशो ही हमें दिया गया है। अभी इसके अपॉन में कितना लाना है, सबके अपॉन में ट्वेंटी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, तो अपना जो न्यू रेशो बना वो क्या बना, यहाँ पर न्यू रेशो इज इक्वल टू क्या बना, नाइन इज टू सिक्स इज टू फाइव, और करके क्या लिख सकते हो, नाइन अपॉन ट्वेंटी, सिक्स अपॉन ट्वेंटी, और क्या आ जाएगा, फाइव अपॉन क्या आ जाएगा, ट्वेंटी आ जाएगा। क्लियर है। और सेक्रीफाइस रेशो भी आपको फाइंड करने आना चाहिए, किसका रहेगा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, राधा आ जाएगा। राधा का ओल्ड रेशो कितना दिया गया, ओल्ड रेशो यहाँ पर राधा का दिया था थ्री अपॉन फाइव, माइनस न्यू रेशो कितना है, नाइन अपॉन ट्वेंटी, तो नाइन अपॉन ट्वेंटी, और जैसा मैंने बताया था ये फोर से मल्टीप्लाई होगा, फोर थ्री ज़ा कितना होगा, ट्वेल्व हो जाएगा, और फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी ट्वेंटी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर नाइन आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, थ्री अपॉन ट्वेंटी आ जाएगा। सेम एज यहाँ पर ओम, तो ओम का ओल्ड रेशो कितना, टू अपॉन फाइव माइनस न्यू रेशो कितना दिया है, सिक्स अपॉन ट्वेंटी, इसको फोर से मल्टीप्लाई करना है, फोर टू ज़ा कितना होगा, एट माइनस सिक्स अपॉन कितना आ जाएगा, ट्वेंटी, तो ये टू अपॉन ट्वेंटी आ जाएगा। तो अपना जो सेक्रीफाइस रेशो रहेगा इज इक्वल टू अपने लिए आंसर क्या आ जाएगा, थ्री इज टू टू, और करके क्या लिखोगे, थ्री अपॉन फाइव, और ये टू अपॉन फाइव, मतलब ओल्ड रेशो इज इक्वल टू अपना क्या रहेगा, सेक्रीफाइस रेशो रहेगा। क्योंकि आप देखोगे अपना सेक्रीफाइस रेशो कितना है, थ्री इज टू टू, और ओल्ड रेशो दिया था कितना, थ्री इज टू टू। हालांकि आप ये पूरा नहीं करोगे तो आपको एक मार्क एग्जाम में नहीं मिलेगा, करोगे तो आपके भले के लिए अच्छा है। अभी आपको पता रहेगा एक 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 बारह बारी बारी करते ओम एडमिट हो रहा है। अभी क्या बोल रहे हैं, प्रीमाइसिस का वैल्यू कितना हो रहा है, थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड, और बुक में कितना दिया गया है, देखो प्रीमाइसिस का वैल्यू टू लैख एटी, मतलब प्रीमाइसिस का वैल्यू सिक्सटी थाउजेंड से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो उसको क्या लिखते हैं, अप्रीशिएशन। तो यहाँ पर मैं अलग कलर की पेन से आपके लिए लिखता हूँ, ऐड यहाँ पर क्या आ जाएगा, अप्रीशिएशन आ जाएगा। क्लियर, ऐड यहाँ पर क्या आ जाएगा, अप्रीशिएशन आ जाएगा। अभी कितने से बढ़ रहा है, थ्री लैख ट्वेंटी में से कितना माइनस करना है मेरे को, टू लैख एटी क्या करना है, माइनस करना है, तो आपको आंसर कितना आंसर आ जाएगा, सिक्सटी थाउजेंड आपको आंसर आ जाएगा। ऐड करेंगे तो आउटर में कितना आंसर आ जाएगा, थ्री लैख फोर्टी, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे क्या नाम आ जाएगा, बाय क्या आ जाएगा, प्रीमाइसिस आपको आंसर आ जाएगा, अमाउंट कितना रहेगा, सिक्सटी थाउजेंड आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रीमाइसिस के बाद फर्नीचर एंड फिक्स्चर का वैल्यू कितना होगा, ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड, तो यहाँ पर बुक में देखो कितना दिया गया आपको, ट्वेंटी टू, मतलब ट्वेंटी हो गया, तो मतलब बर्ड वैल्यू क्या कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। क्लियर है, कितने से कम हो रहा है, 22,800 माइनस 20,800 करेंगे तो आंसर कितना आंसर आ जाएगा, 2,000 आपको आंसर आएगा, माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20,800 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, बैड डेट्स कितना बोल रहे हैं, 2,000, तो मतलब डेटर में से कितना आ रही है, डेप्रिसिएशन हुआ तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर एंड क्या आ जाएगा, फिक्स्चर आ जाएगा। क्लियर है, फर्नीचर एंड क्या आ जाएगा, ये फिक्स्चर आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 2000 दिया गया है। सेम ऐसे यहाँ पर आपको डेटर में से भी लेस करना है, लेस आप चाहो तो यहाँ पर आर डी डी लिखोगे,
या तो बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आरडीडी लिखना है तो आरडीडी लिखो, बैड डेब्ट्स लिखना है तो बैड डेब्ट्स लिखो। कितना दिया गया है, 2000 बोला गया है, 18 में से 2 चला गया तो 16000 कितना बचेगा, 200। ये लेस हुआ, अरे असेट्स में से लेस हो रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है, तो लॉस कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है। तो क्लियर है, यहाँ पर डेबिट साइड में मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा, 2RDD आपको आंसर आ जाएगा। अमाउंट कितना आंसर आ जाएगा, 2000 रुपीज़ आपको क्या होगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, RDD का। आगे क्या बोल रहे हैं, ये तो हो गया, चलो ये डेटर वाला भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये अभी क्या बोल रहे हैं, स्टॉक वैल्यू कितना होगा, 58। अगर बुक में कितना दिया गया, 54, तो वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रिसिएशन। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा अप्रिसिएशन आ जाएगा। कितना बढ़ रहा है, 58 हो गया माइनस 54 करेंगे तो आपको पता है आपको आंसर कितना आंसर आ जाएगा, 4000 आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐड करना है तो आउटर में कितना आंसर आ जाएगा, 58 आ जाएगा। और ये बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, स्टॉक वैल्यू कितना आंसर आ जाएगा, 4000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर, अभी आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ओम शुड ब्रिंग कितना पैसा लेके आ रहा है, 8000। मतलब ये करते पहले देखो क्या बोल रहे, द लोन फ्रॉम, चलो यही कर लेते, ओम शुड ब्रिंग 80000 इज अ कैपिटल, पैसा लेके आ रहे हैं। तो एंट्री क्या रहता है, कैश या तो बैंक अकाउंट, यहाँ पर बैंक दिया है तो कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, क्योंकि पैसा ला रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। 80000 टू यहाँ पर किस चीज़ का पैसा, ये ओम कैपिटल, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, ओम कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 80000 दिया गया है। क्लियर है, और देखो यहाँ पर कैश और बैंक कहाँ पर है, डेबिट, तो कैश और बैंक अकाउंट की कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, 2 ओम कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर नाम आ जाएगा ओम कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना दिया गया है, 80000 दिया गया है। और सेकेंड ओम कैपिटल कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो ओम कैपिटल की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड, मतलब ओम कैपिटल की जगह क्रेडिट साइड लिखना है तो उससे अच्छा लाइबिलिटी में लिख दो। यहाँ पर आ जाएगा ओम कैपिटल, तो ओम लिखो तो भी बस है। और अमाउंट कितना दिया गया है, 80000 दिया गया है। तो ये 80, ये सबको आउटर में क्या करें, प्लस करके, माया अम्मा ये सबको प्लस करके क्या लिख दो, आउटर में, तो ये सबको प्लस करेंगे तो आपको आंसर कितना आंसर आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। क्लियर है, तुम बोलो कि कैसे, क्योंकि दूसरा इफेक्ट कहाँ है, क्रेडिट, और लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड पे होता है। क्लियर है, तो ये लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 20000 इज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब और किसका पैसा लेके आ रहा है, ये गुडविल का पैसा क्या कर रहा है, लेके आ रहा है। तो उसका एंट्री क्या रहेगा, अगर कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा लेके आ रहा है, 20000, टू किस चीज़ का पैसा है, ये गुडविल का, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, गुडविल अकाउंट आंसर आ जाएगा। अमाउंट कितना रहेगा, 20000, गुडविल कहाँ पर है, असेट्स, तो असेट्स ऑलवेज कहाँ चला जाएगा, डेबिट में, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, गुडविल अकाउंट 20000। और यहाँ पर किसका नाम आएगा, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अपने पास कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी पहले राधा है, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, राधा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और किसका नाम आ जाएगा अपने पास, ओम कैपिटल अकाउंट, सॉरी राधा, और सॉरी ये कौन है, ओल्ड पार्टनर, विकास कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, ये दोनों कौन है अपने लिए, ओल्ड पार्टनर ही चाहिए, तो लिख दूँ ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। और कौन से रेशो में चला जाएगा, तो ये 20000 मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस रेशो, देखो हमने किया था, ये नहीं करोगे तो 1 मार्क नहीं मिलेगा। तो आंसर कितना आया था अपने, थोड़ा ब्लर क्यों हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इस बार, 3:2, मतलब कितना आंसर आएगा, 3/5, और इसका कितना आंसर आएगा, 20000 मल्टीप्लाई बाय कितना है ये, 2:5, 5 4 20 4 3 कितना होगा ये, 12000 आ जाएगा। और ये कितना आंसर आ जाएगा आपको, 8000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये गुडविल तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट कैंसिल। कैश और बैंक कहाँ पर है, डेबिट में, तो कैश और बैंक की डेबिट में। अभी देखो नाम क्रेडिट का किसका दिया है, गुडविल, तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल। तुम बोलोगे सर गुडविल अकाउंट बनाएंगे, तो जी हाँ जी, पहले स्टार्टिंग के इलास्ट्रेशन में बनाता था, और गुडविल बनाओगे तो भी गुडविल 20000 से टैली होगा, उससे अच्छा बनाओ ही नहीं, एक ही बात है ना, ज़्यादा मेहनत क्यों करनी है। दोनों पार्टनर के नाम कहाँ पर है, गुडविल डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अभी इन दोनों पार्टनर के नाम क्या है, राधा विकास कहाँ पर है, क्रेडिट सर, तो राधा विकास की क्रेडिट सर। यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, गुडविल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है इसका, 12000 दिया गया है, और क्या दिया गया है, 8000 दिया गया है। क्लियर है, ये 12000 और क्या दिया गया, 8000 दिया गया। आगे क्या बोल रहे, ये और ये हो गया 1/4 शेयर। अभी क्या बोल रहे,
द लोन फ्रॉम बालू वॉज रीपेड बट थ्रू NEFT, मतलब पूरा पैसा पे करें। लोन का कितना पैसा है, अभी ये थोड़ा उल्टा है पर क्लियर, ये दोनों को प्लस करके यहाँ पर आएगा। ये क्रेडिटर का वैल्यू ये दिया है, बालू लोन का 40,000 दिया गया, तो 40,000 क्या करें पे कर रहे, तो मैं अपने पास से क्या होगा 40,000 पैसा जाएगा। इसका जर्नल एंट्री देखेंगे तो पैसा जा रहा है, तो मेरे लिए क्या रहेगा कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया 40,000, और डेबिट में किसका नाम आएगा बालू, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा बालू लोन अकाउंट नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया 40,000 दिया गया, क्लियर। अभी देखो कैश और बैंक कहाँ पर है, क्रेडिट साइड, तो हम कैश और बैंक की कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे, ना कि डेबिट साइड। ये क्रेडिट है तो हमको कहाँ लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड, यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा बालू लोन अकाउंट नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना आंसर आ जाएगा 40,000 आपको आंसर आएगा, क्योंकि बालू लोन कहाँ पर एक क्रेडिट में, तो बालू लोन की कहाँ लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, क्लियर है। अभी देखो ये लोन को पे कर रहे, तो लोन में से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा रीपे लिखो तो भी चलेगा, आपको लिखना है रीपेड लिखो तो भी चलेगा, रीपेड यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना है तो रीपेड थ्रू NEFT, तो आपकी मर्ज़ी यहाँ पर लिख दो रीपेड थ्रू NEFT लिख दो। कितना पैसा 40,000 माइनस कर दो, तो आउटर में कितना आंसर आ जाएगा नील आपको आंसर आ जाएगा। अभी क्या करना है टैली करना है, तो टैली करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्या यहाँ पर दो लो देखो ये कितना आ गया 60 प्लस 4 64, मुझे पता है क्रेडिट साइड ही क्या है ज़्यादा, तो यहाँ पर 64 में से 2 to 4 क्या करूँ माइनस कर दूँ, आंसर कितना आंसर आ जाएगा 60,000 आपको आंसर आएगा। और ये 60,000 कहाँ जाने वाला है पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल का नाम आएगा, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और ये कौन से दो पार्टनर में जाएगा, अपने पास ये राधा और क्या है विकास, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा राधा और किसका नाम आ जाएगा विकास का नाम आ जाएगा, क्लियर। और ये 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेशो कितना दिया था 3:5, ये अपना सेक्रीफाइस रेशो से हम कर रहे, क्लियर है। सेक्रीफाइस रेशो या सेक्रीफाइस रेशो इजिकल टू मैंने बताया था ओल्ड रेशो, सॉरी ओल्ड रेशो से ही करना है 3:5, 60,000 मल्टीप्लाई बाई कितना आंसर आएगा 2:5, अभी मुझे पता है 5 × 5 ये आंसर कितना आएगा 12, 12 3 सा कितना होता है 36, तो आपको आंसर कितना आंसर आएगा 36, और 12 2 सा कितना होगा 24, ये कहाँ है डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा बाय कहाँ से आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आ रहे हैं, क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में क्या चीज़ का है ये प्रॉफिट है, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा, क्लियर। आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो ब्रैकेट में प्रॉफिट करके लिख सकते हो, क्लियर। मैं लिखना भूल गया, इसका कितना आया था 36,000 और इसका कितना आंसर आया था 24,000 आंसर आ गया था। अभी दोनों साइड को क्या करना है प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो मुझे पता है यही साइड ज़्यादा है, क्योंकि ये साइड ही क्या है बैलेंस ज़्यादा है, तो ये साइड तो कुछ है ही नहीं, तो ये 36 प्लस 12 करेंगे तो 48 प्लस 2 50,400 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 34,800 आपको आंसर आएगा। तो यहाँ पर सेम 50,400 प्लस कितना आंसर आएगा 34,800 आपको आंसर आएगा। सेम टोटल कहाँ चला जाएगा दोनों साइड, यहाँ पर चला गया 50,400 और यहाँ पर कितना आंसर आपको आएगा 34,800 आपको आंसर है। ये बाय क्या था बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये क्या रहेगा 2, बैलेंस क्या रहेगा कैरी डाउन, और यही कहाँ जाएगा करंट अकाउंट में, तो यहाँ पर आ जाएगा करंट अकाउंट्स, क्लियर है। आपकी मर्ज़ी, और यहाँ पर लिख दो किसका किसका नाम है, पहले ये राधा, तो यहाँ पर आ जाएगा राधा और क्या है ये विकास। कितना आंसर आया था 50,400 और ये कितना आंसर आया था 34,800 आया था। दोनों को क्या कर दूँ प्लस कर दूँ, तो आंसर कितना आंसर आएगा 60,000 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अभी देखो सॉरी 50 प्लस 2 60 कहाँ से आएगा, मैं भी क्या पगला गया हूँ, क्लियर है। मैं भी कुछ भी कर रहा हूँ। अब इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, तो ज़रा मैं कैलसी से कर देता हूँ। 50,400 प्लस कितना आंसर आ जाएगा 34,800, तो आपको आंसर आएगा 85,200। सॉरी माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर लिखना है 85,200। इन दोनों को लिख के यहाँ पर नीचे ही लिख देना है 85,400 प्लस कितना ये 4 लैक्स प्लस कितना ये 12,000, क्लियर है। दोनों को क्या कर दूँ प्लस करूँ, तो आपको आंसर कितना है 4,97,200, तो यहाँ पर आपको टोटल कितना आंसर आएगा 4,97,200। तुम बोलोगे सर इसका करेंगे तो नहीं आ रहा है सर, टैली नहीं आ रहा है। अरे घन चक्करो, पहले ये बैंक का तो करो, पहले
तो ये कितना आंसर आएगा, ये 80 प्लस, सॉरी किसको बुरा लगा रहेगा, तो ये कितना आंसर आएगा 1,02,200। यहाँ पर भी इन दोनों को 1,02,200, क्योंकि देखो ना 80 प्लस 20 1 लाख, और ये 1,02,000 माइनस 40, तो 1,02,200 माइनस कितना करना है 40 माइनस करना है, क्लियर है, माइनस 40,000, तो आपको आंसर कितना आंसर आएगा 62,000, कितना आंसर आया 200 आपको आंसर आया था, यहाँ पर कितना आंसर आएगा 62,200, और इसको नाम क्या दिया था, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ये क्या रहेगा, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ये क्या रहेगा, बाई बैलेंस कैरीड डाउन रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन। ये कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट असेट साइड, असेट साइड पे यहाँ पर लिख दो बैंक अकाउंट, कितना आंसर आया 62,200। अगर इन दोनों सेट का टोटल करोगे तो आपको आंसर सेम ही आएगा, 4,97,200 आएगा, क्लियर है। और थोड़ा मैं फास्ट इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सारा चीज़ अच्छे से मैं 10 बार बता चुका हूँ, मुझे भी एकदम रट्टा हो गया है ये, तो उससे अच्छा आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे डे बाय डे, आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।